जमीन विवाद में जमकर लाठियां चली, जिसमें एक व्यक्ति का सिर फट गया, जिसे इलाज के लिए रेफरल अस्पताल लाया गया। दरअसल कुसदे गांव में जमीन बंटवारे को लेकर दो पक्षों में कहासुनी शुरू हुई और देखते ही देखते बात इतनी बिगड़ गई कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। इस घटना में घायल ब्रजेश रंजन उर्फ गोलू कुमार ने बताया कि आरोपित शैलेंद्र सिंह, संजय सिंह उर्फ मंटू सिंह, शैलेश कुमार, सानू कुमार, जय कुमार, धीरज कुमार, कुंदन कुमार ने बातों ही बातों में लाठी चलाने लगे, जिस कारण उनके सिर पर लाठी लगी और सिर फट गया, जिसके बाद घटनास्थल पर ही वे बेहोश होकर गिर पड़े। उनके परिजन उन्हें रेफरल अस्पताल लालगंज लेकर आए, जहां उनका इलाज चल रहा है। उन्होंने बताया कि घटना की सूचना लालगंज पुलिस को दे दी गई है। वहीं थानाध्यक्ष सीवी शुक्ला ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस पदाधिकारी को अस्पताल भेजकर घायल व्यक्ति का बयान अंकित कराया गया है। अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। जैसे हम लोग का बंटवारा जमीन के लेकर अच्छी बंटवारा के लिए विवाद चल रहा है और हम घर पे थे, आया गाली कलौज करने लगा और हमने कुछ कौन आया था घर पे? शैलेंद्र सिंह उसका बेटा, मंटू सिंह उसका बेटा, धीरज कुमार, ये सब आया लाठी डंडा राइफल लेकर और गाली कलौज करने लगा। हम कहें कि गाली कलौज क्यों कर रहा है, तो उधर से मंटू सिंह बोला कि मारो इसको, तो सब मारने लगा और मारने लगा, सिर्फ हमारा सिर फट गया और हम गिर गए। उसके बाद बोला कि ये वो अथी जाने वक्त जब मार उठ के हम नीचे गिर गए तो जाने वक्त बोला कि ये वो मर्डर कर दिए हैं, तो कुछ नहीं हुआ तुम्हारा भी मर्डर कर देंगे, और गला का अथी हनुमानी छीन लिया है और 5000 रुपया अच्छा है।